अच्छा जी, मोल्स में हमारा आज लास्ट टॉपिक जो रह गया था परसेंटेज यील्ड्स। देखो, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो यूजुअली इंडस्ट्रीज में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, हमें अगर बनानी है तो अमोनिया बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के हम अमोनिया गैस बनाते हैं। तो स्टोशियोमेट्री में हमने देखा कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, उसको रिएक्ट करवा के अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोगों को कितना रिएक्टेंट लें। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 किलोग्राम अमोनिया बनानी है, तो मैं कितना रिएक्टेंट लूँ कि 10 किलोग्राम ऑफ अमोनिया बन जाए, वो हम स्टोशियोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, होता ऐसा है कि एक्चुअल में कभी भी उतना प्रोडक्ट बन नहीं सकता जितना हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट लीक हो गया, कुछ रिएक्टेंट सारा का सारा रिएक्ट नहीं हुआ। अब ये तो चलो गैसेस हैं, लेकिन वो रिएक्टेंट जो के कंटेनर के साथ कुछ लगे रह जाते हैं, वो रिएक्ट नहीं करे, तो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आइडियली जो हम स्टोशियोमेट्री से कैलकुलेशन करते हैं ना कि इतना अमाउंट और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, तो वो आइडियल केस होता है जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकली। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उतना नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली बना भी सकते हो। तो उस रिएक्शन को आपने बहुत पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। लेकिन असल में हमारे पास 99% केसेस में जो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बन रहा होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो हमेशा थ्योरेटिकल से कम ही बन रहा होता है। उसको हम एक्चुअल कहते हैं या प्रैक्टिकल कहते हैं। तो परसेंटेज यील्ड हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमने जितना रिएक्टेंट डाला था, उससे जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो थ्योरेटिकल है, और जितना एक्चुअल में बना है, तो हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि बाकी जो नहीं बना वो हमारे पास वेस्टेज है। और वेस्टेज का मतलब है कि हमारी कॉस्ट उस पर लग तो गई, लेकिन वो हम बना नहीं सके। तो परसेंटेज यील्ड किस तरह से निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना बना या प्रैक्टिकल में कितना बना, और थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैसे तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। बाकी सारी स्टोशियोमेट्री होगी क्वेश्चंस में, वो थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हो स्टोशियोमेट्री यूज करके, इक्वेजन्स को यूज करके। एक्चुअल वो आपको खुद बताएगा कि भाई हमने प्रैक्टिकल किया था और इतना प्रोडक्ट बना। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आसान से क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, मतलब जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगा वो हाइड्रोजन से निकालूंगा, व्हाइल द मास ऑफ वाटर फॉर्मड इज 70 ग्राम्स। जो क्वेश्चन में उसने आपको अमाउंट दिया हुआ है वाटर का, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। वो ये बता रहा है कि हमने जब 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 70 ग्राम ऑफ वाटर बना। तो आपसे परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, तो हम लोग थ्योरेटिकली स्टोशियोमेट्री यूज करके निकाल के देखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से आखिर कितना मास ऑफ वाटर बनना चाहिए। तो सब कुछ वैसे ही करोगे जैसे पीछे स्टोशियोमेट्री में 2 क्लासेस से करते हुए आ रहे हो। हाइड्रोजन का आपको मास दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के नीचे आपने मास लिख दिया। वाटर का भी आपको एक्चुअल मास दिया हुआ है, तो थ्योरेटिकल भी आप वाटर का मास ही कैलकुलेट करोगे ना। तो मोल्स आपने नीचे उतारे, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, वाटर के भी 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन का मास बनाने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन का एमआर कैसे निकालोगे? 2 × 1, दैट इज 2। तो 2 × 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस हाउ मच वाटर? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 × 1 + 16, 18 ग्राम्स। तो आप क्या करोगे? 2 × 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमने कितना हाइड्रोजन यूज करा है? 10 ग्राम हाइड्रोजन यूज करा है। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनना चाहिए, वो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी। और जब हम ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 × 18 × 10 इज इक्वल टू 2 × 2 × x। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, दिस इज माय थ्योरेटिकल वैल्यू, कि इतने थ्योरेटिकली 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से इतना वाटर प्रोड्यूस्ड होना चाहिए।
सही है, जो कि आ रही है 90 ग्राम। सही, तो 90 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन असल में बना कितना है, एक्चुअल में 70 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड आप कैसे निकालोगे, 90 सॉरी एक्चुअल वैल्यू डेट इज 70 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू 90 × 100। तो 70/90 वुड बी हाउ मच, वुड बी 77.8%। दिस इज द परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने 77.8% प्रोडक्ट आप बना चुके हो, बना सके हो। बाकी जो है आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो नहीं बना, मतलब वो आपने ज़ाया कर दिया। अब ज़ाया होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने 22% आपका रिएक्टेंट ज़ाया हुआ है, आप नहीं बना सके, बेकार हो गया आपके लिए। सही है। अच्छा आयशा, अभी हम लोग ना कोई एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो उनको समझ आ जाएगा कि हम आज जो परसेंटेज यील्ड डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग 8.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा जी, बाय रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑक्सीजन फाइंड द परसेंटेज यील्ड। तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से वो ये कह रहा है कि कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सके हैं 8.5 डेसीमीटर क्यूब। जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है। सही, तो वैसे अगर आप कैलकुलेट करो कि 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से आप कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड थ्योरेटिकली बना सकते हो, तो उसके लिए स्टोइकोमेट्री यूज कर लेना। सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स दिए हुए और सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप मोल टू वॉल्यूम बनाओगे रिलेशनशिप। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं तो मोल्स हैं, तो बस सिर्फ मोल्स लिखोगे। 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से आप कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट योर आंसर, जो कि थ्योरेटिकली आप 0.5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड यूज करके जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हो वो आपके पास आ जाएगा। तो वो आता है हमारे पास 12 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास थ्योरेटिकली अगर मैं 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यूज करूं तो इतना बनना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में कितना बना है 8.5 डेसीमीटर क्यूब, और एक्चुअल वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल से कम होगी। अगर आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू जो आ रही है वो एक्चुअल से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत करा है, उसको रीचेक कर लेना। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100। एक्चुअल वैल्यू इज योर 8.5 डेसीमीटर क्यूब, जो कि वाकई में बना है, बनना कितना चाहिए था 12 × 100। तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, जो कि आ रही है 70.8%। परसेंटेज यील्ड निकालते क्यों है, जाहिर है इंडस्ट्री अगर कोई रिएक्शन करवा रही है तो उसका करवाने का होल सोल पर्पस ये है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है या तो वो उसने आगे यूज करना है या उसको बेचना है। तो जो रिएक्टर उन्होंने खरीदे हैं वो जिस हिसाब से उन्होंने खरीदे हैं उस हिसाब से वो कितना प्रोडक्ट बना सक रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन जाहिर है बनाने से पहले वो करेंगे, और बनाने के बाद वो देखेंगे कि कितना परसेंट हमने वेस्टेज करा है ताकि उसको इम्प्रूव करें। हुज़ैफ़ा, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा जैसे बाकी की क्लासेस के हुए। तो ये देखो, हम लोगों ने अभी तक मोल्स के जो है जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो अराउंड क्या कहते हैं, सारी कॉन्सेप्ट हमने टच जरूर करे हैं, लेकिन इतने से क्वेश्चन से काम नहीं बनता है। ठीक है, आपने जो है मोल्स के पहले भी बात हुई होगी कि मोल्स के जो पास पेपर आपने ट्राई करने हैं वो इतने ज्यादा करो, मोल्स के रोज के बांट लो के रोज के मुझे 5 या 10 क्वेश्चंस करने, और साथ साथ मोल्स करते जाओ, क्योंकि मोल्स सिर्फ एक टॉपिक के साथ तो आना नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिलके आता है मोल्स। एसिड एंड बेसिस के साथ भी आएगा, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के साथ भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी आएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ भी आएगा,
इलेक्ट्रोलिसिस के साथ भी कभी कभार आ जाता है थोड़ा बहुत, सही है। अच्छा, आज हम लोग अपना हमारा जो दूसरा टॉपिक है एसिड एंड बेसिस, उसका ओवरव्यू लेंगे, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। अच्छा जी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी एक बहुत लंबा चैप्टर है वैसे तो, इसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं स्पीड में देखेंगे, ताकि जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, एटलीस्ट अगर वो मेन कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में नहीं जा रहे हो, तो आपको सरफेस पे ये पता चल जाए कि हाँ ये मेन कॉन्सेप्ट मुझे पक्के करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। एसिड्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो एसिड की डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी कि एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट गिव एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो मैं पानी में डालूं और वो एच पॉजिटिव आयन दे दे, दोज आर नोन एज एसिड्स। एसिड जो होते हैं ना वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, देखो आयनिक सब कंपाउंड्स को आप पानी में डालते हो तो वो डिसोसिएट होते हैं इनटू इट्स आयंस, ये बात हम लोगों को पता है, हम लोग देख के भी आ चुके हैं। लेकिन जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पानी पे डालने पे आयंस नहीं देते हैं, एक्सेप्ट फॉर एसिड्स। तो एसिड्स जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो इसमें से एच पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। बिफोर इसमें आयंस नहीं थे, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, बट एडिंग इट इनटू द वाटर डिसोसिएट्स द एसिड इनटू आयंस, और आयंस में डिसोसिएट होना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो आयंस में डिसोसिएट हो एंड वन ऑफ द आयंस इज एच पॉजिटिव आयन, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिक। ठीक है, ये एच पॉजिटिव आयन है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज दे रहा होगा। एच पॉजिटिव आयन कह लो इसको, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ होता है हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन, या इसको हम लोग H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं, अगर किसी ने ये देखा है तो ये भी चलेगा। लेकिन एज फार एज ओ लेवल इज कंसर्न, अगर आप एच पॉजिटिव आयन लिखते हो तो हमारे कोई मसला नहीं है, इसमें हमारी बात चल जाएगी। तो एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आसिया, यस, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग पिछली क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग मिली है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी मिल जाएगा आपको ग्रुप पे। उस वक्त मोल्स का टेस्ट हम लोग फ्राइडे को कर लेंगे। अच्छा जी, देखो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, हमें ना नाम के साथ फॉर्मूला याद होने चाहिए, वो सिर्फ नाम लिखा हुआ देगा, यू आर सपोज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ इट। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डेफिनेशन ऑफ एसिड बहुत बार आती है, एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये याद कर लो, या ये याद कर लो दैट डिसोसिएट्स टू गिव एच पॉजिटिव आयन, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, ये एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। जब कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, तो उसका क्या मतलब है कि वो आइंस में अपने कन्वर्ट हो गया पानी के अंदर, और वो मॉलिक्यूल जो आइंस में कन्वर्ट होने के बाद वन ऑफ द आइंस दे गिव इज एच पॉजिटिव आयन, देन दोस सब सॉल्यूशंस या दोस सब्सटेंसेस आर रिगार्डेड एज एसिड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिसॉल्व इनटू वाटर इट गिव्स एच पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज HNO3, और जब उसको पानी में डालते हैं तो इट गिव्स एच पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन एंड एच पॉजिटिव आयन। सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मूला याद रखना है, H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू 2 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके फॉर्मूले में यहाँ पे H2 है, एंड 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव एनायन। तो ये गलती नहीं करना है इसमें बनाते वक्त। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, इट डिसोसिएट्स इनटू वाटर टू गिव 3 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे 3 है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूला में, एंड 1 मोल ऑफ फॉस्फेट एनायन। तो फॉस्फेट एनायन का 1 मोल आ रहा है क्योंकि H3 है, PO4 जो होता है वो पूरा एक एनायन होता है, और उसका चार्ज क्या होता है 3 नेगेटिव। देन वी हैव
कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, एंड व्हेन इट डिसोसिएट्स इनटू वाटर इट विल गिव 2 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट एनायन दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अच्छा हमारे पास देखो ना दो तरह के एसिड्स मिलते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स वो सारे हैं जिनके अभी मैंने नाम बताए, और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो यूजुअली नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड के बारे में हमने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये जो एसिड होता है ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, और ये हमें यूजली सिट्रस फ्रूट जो होते हैं लेमन्स ऑरेंजेस उनमें मिलता है। एसिटिक एसिड जो सिरका होता है वो भी यही चीज होती है। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो ये उनके लिए है CH3COOH। ठीक है, अच्छा इसको जब वाटर में डालोगे तो इट विल डिसोसिएट टू गिव एच पॉजिटिव आइन, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एन एसिड। अच्छा इसमें देखो हाइड्रोजन आपको यहाँ भी दिख रहे हैं तीन और एक यहाँ भी दिख रहा है, तो हाइड्रोजन कौन सा वाटर में जाने के बाद आयन बनाएगा? वो जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए ना वो वाले हाइड्रोजन तो लगे रहेंगे, वो नहीं निकलेंगे, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना COOH, इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन हमेशा निकलता है टू फॉर्म आयन, एच पॉजिटिव आयन। और ये जो एनायन बना है, एच पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो बाकी की चीज रह गई है वो एनायन बन गई है, और इस एनायन का नाम होता है इथेनोएट एनायन। ये फिलहाल यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप इतना पढ़ोगे कि आपको वो याद होगा। उस बार टेस्ट डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली टेस्ट है वो। अच्छा जी, एसिड विदाउट वाटर एसिड नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि HCl सॉलिड फॉर्म में है तो इट विल एक्ट एन एज एसिड, नो, जब तक उसको मैं वाटर में नहीं डालता वो एसिडिक प्रॉपर्टीज अपनी शो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उसमें एच पॉजिटिव आयन फ्रीली मूविंग नहीं आएगा वो एसिड एज एन एसिड काम कर ही नहीं सकता। तो हमें एच पॉजिटिव चाहिए एक्वा सॉल्यूशन में इन ऑर्डर टू हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो बगैर पानी के HCl है, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड पाउडर फॉर्म में मिलता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का पाउडर मैं अगर आपके हाथ पे रख दूं तो आपके हाथों में कुछ नहीं होना है, बट द मोमेंट आई ड्रॉप वाटर ऑन योर हैंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर जैसे ही पानी जाएगा तो उसमें एच पॉजिटिव आयन डिसोसिएट हो जाएंगे और इट विल हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो वो फिर कोरोसिव होता है, वो फिर हाथ जलाएगा। तो एसिडिटी नीड्स वाटर, कहने का मतलब ये कि विदाउट वाटर देयर विल बी नो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इनटू एच पॉजिटिव आयन। जब तक एच पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में नहीं आता एसिड इज नॉट एन एसिड। अच्छा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन, वीक एसिड आर दोज एसिड व्हिच आर पार्शियली आयनाइज्ड। क्या मतलब है इस बात का? देखो इस बात का ये मतलब है, अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल डाले पानी में तो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए टू गिव एच पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट एनायन। 100 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होंगे तो एच पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे? एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव आयन बनते हैं, तो 100 से 200 H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और 100 सल्फेट एनायन बन जाएंगे। तो सच एन एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन वीक एसिड वो एसिड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जैसे कि इथेनोइक एसिड या नाइट्रस एसिड। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है HNO2, HNO2 इज अ नाइट्रस एसिड। इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, जो ऊपर मैंने बताया ना फॉर्मूले और जिनकी इक्वेशंस लिखी है वो वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। नाइट्रस एसिड इज अ वीक एसिड, जो वीक एसिड होता है अगर मैंने इसके फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल डाले तो उसके 100 में से एच पॉजिटिव आइन 100 नहीं आएंगे, बल्कि क्या पता सिर्फ 10 आ जाए और 10 ये हो जाएंगे नाइट्रेट। तो ये वीक एसिड होता है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं सब्सटेंसेस की, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स की, के उनका टेस्ट क्या होता है? दे आर साउर इन टेस्ट। सिमिलरली जो सिट्रस फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है ना वो एसिड की वजह से होता है उनके। एसिड्स आर कोरोसिव, कोरोसिव क्या होता है? डेट दे बर्न द स्किन।
एंड एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखो इलेक्ट्रोलाइट हर वो सोल्यूशन है जिसमें फ्री मूविंग आयंस हो. तो व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इनटू वाटर इट प्रोड्यूसेस फ्री मूविंग आयंस. सोडियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट होते हैं, सोल्युबल सॉल्ट, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू वाटर दे गिव यू फ्री मूविंग आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सिमिलरली एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर दे डिसोसिएट टू गिव फ्री मूविंग आयंस. तो दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट. और इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या होती है कि इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो एसिड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बाकी इसकी डिटेल जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में होती है. सेकेंडली, अब एसिड जो होते हैं ना, दे अब मैं अगर एक बीकर में आपको पानी रख दूं वाटर और एक बीकर में आपको एसिड रख दूं HCl, दोनों कलरलेस होंगे, पता नहीं चलेगा देख के वाटर कौन सा है और HCl का सोल्यूशन कौन सा है. तो HCl को टेस्ट करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि ये एसिड है या नहीं है. तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फिथिलीन. तो लिटमस जो पेपर जो होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज में वो रेड कलर शो करता है, और फिनोफिथिलीन में वो कलरलेस रहता है. फिनोफिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं वो एज अ ड्रॉप हम डालते हैं किसी भी सोल्यूशन में, अगर वो ड्रॉप डालने पे उस सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो इट मींस कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिड है. मिथाइल ऑरेंज को आप वाटर में डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज का जो अपना कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, तो वो वाटर को ऑरेंज कर देगा. लेकिन अगर आप मिथाइल ऑरेंज को HCl के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो सॉल्यूशन का कलर रेड कर देगा. अगर वो रेड हो जाता है कलर तो इट मींस कि वो एसिड है, नहीं होता तो मतलब वो एसिड नहीं है. इसी तरह फिनॉल फिथिलीन भी एक इंडिकेटर है. अब इंडिकेटर का पर्पस और यूज जब अच्छा समझ आएगा जब हम एसिड का काउंटर पार्ट पढ़ लेंगे, दैट इज एल्केलीज. सही है. अच्छा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ एसिड वो होती है कि एक एसिड मॉलिक्यूल या एक वन मोल ऑफ एन एसिड हमें कितने मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देगा. जैसे हमने देखा HCl के लिए कि वन मोल ऑफ HCl हमें वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देता है, वन मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देता है, वन मोल ऑफ इथेनोइक एसिड वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देता है. इसी तरह ये जो वन मोल ऑफ एसिड वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन दे रहे हैं उनको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड. और अगर वन मोल ऑफ एन एसिड अगर हमें टू मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देगा जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं डायबेसिक एसिड. सिमिलरली अगर वन मोल ऑफ एन एसिड हमें थ्री मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन देगा जैसे फॉस्फोरिक एसिड, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कार्बन ट्राइबेसिक एसिड. तो सो फार इट वॉज वेरी इजी. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, हमें एसिड्स के जो रिएक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिड के रिएक्शन कितने चैप्टर्स में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी आएगा, वो आपका मेटल्स में भी आ रहा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एटीपी का भी अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से ही बन रहा होता है. तो एसिड जो होते हैं हमारे पास, दे इनका सबसे पहला रिएक्शन क्या है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो आपको वो कोई भी एसिड दे सकता है और कोई भी मेटल दे सकता है. आपने जो है ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट सॉल्ट मेटल्स के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड है और वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यू मस्ट नो कि मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा सॉल्ट में और हाइड्रोजन गैस बनेगा. तो मैग्नीशियम सल्फेट एज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट. आपने ये इक्वेशन बनाने के बाद इसको बैलेंस्ड भी करना है, पर ये तो कॉन्सिडेंटली इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी. जैसे HCl और मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा डेट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब इस इक्वेशन को भी आपने बैलेंस करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2HCl 2 मोल लगा दोगे तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड हो जाएगी. देखो ट्राई बेसिक नाम इसलिए है क्योंकि के 3 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन दे रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए ये एसिड की बेसिसिटी कहलाती है. अब ये वर्ड इसलिए कंफ्यूज करता है कि आप बेस अलग पढ़ते हो, और ये नाम क्यों दिया जाता है ऐसा बेसिक, इसका नाम क्यों दिया जाता है. तो अभी तो फिलहाल ओ लेवल में तो आप ये चीज नहीं देखोगे, लेकिन आगे आपको ये पता चलेगा कि जब वो डिसोसिएट हो जाता है, जो आयन बन जाता है,
इस आइन ने अगर वापस एच पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट कर लेना है, तो जो चीज एच पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करती है वो बेस होती है। बहरहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि डाई मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, वैसे तो वो तुमसे कहीं नहीं पूछेगा, कभी कभार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है ये वर्ड, बस इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट बेसिसिटी, के बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को अगर आपने डिफाइन करने के लिए कभी भी नहीं आएगा, अपनी नॉलेज के लिए जान लो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, के अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स इट। यू आर नॉट सपोज टू राइट इट, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है तो यू आर ओके विद इट। अच्छा जी, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं कि ग्रुप 1, 2, 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड इसको क्यों कहते हैं वो अभी आगे जाके पता चलेगा। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एच सी एल रिएक्ट कर रहा है सोडियम ऑक्साइड के साथ, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। इसी तरह एसिड का एक और रिएक्शन है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। व्हाट आर मेटल कार्बोनेट्स? कार्बोनेट एनायन हमारे पास होता है CO3 2-, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन आपको अब कोई भी एसिड और कोई भी आपको कार्बोनेट दे सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो एसिड्स मैंने लिए हैं, मैं उसके अलावा मैं कोई एसिड ले लूँ जैसे कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और वो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा लेट्स से पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम +1 होता है, कार्बोनेट CO3 2- होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K2CO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो होगा क्या, जब भी हमारे पास एक कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, जब भी हमारे पास कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, तो उसमें क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट, कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भूल जाना लिखना। तो ये सारे जो रिएक्शंस दिए हुए हैं इसको एक बार पढ़ लेना हैंडआउट में से। फिर एसिड और एल्कली, एल्कली क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन क्या पड़ा है, OH- आयन। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड दे प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। अगेन आपने ये इक्वेशन ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना सीखनी है। तो और ये भी याद रखना कि एसिड जब अल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अल्कली क्या होता है अभी तक हमने ये देखा नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटल हाइड्रोक्साइड कि मेटल है और हाइड्रोक्साइड है। अभी आगे हम देखेंगे कि इसको हम अल्कली भी कहते हैं। इसी तरह एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। मुनीब अभी देखते हैं बेस और अल्कली क्या होते हैं, तो सेम है या क्योंकि वी हैव शॉर्ट टाइम, तो आई थिंक ये तो खुद पढ़ लेना कि यूजेस ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, पर टाइम नहीं लगाते। बेस हर वो सब्सटेंस है दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस इज एन एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास एसिड के साथ अभी दो रिएक्शन हो रहे थे जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एक तो मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और जब मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो बेस में हमारे पास, फिर मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, सही है। देखो ये इक्वेशंस आपको याद नहीं करनी है, बनाना आनी चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो मुझे पता है कि
ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है इसके साथ लगेगा, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्या होता है, ग्रुप टू का है, Ca2 पॉजिटिव, और सल्फेट एनायन आपको याद करना होता है शुरू के चैप्टर्स में। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है तुम्हें फॉर्मूला भी बनाना आता होगा, तो कैल्शियम सल्फेट टू और टू डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बी लेफ्ट विद कैल्शियम +1 SO4 -1, तो Ca SO4 बनेगा। तो इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर H2O। ये चीज आनी चाहिए हर हाल में, ये याद नहीं करने बैठ जाना सारी इक्वेशन। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को याद कर रहे होते हैं, याद थोड़ी करनी है ये, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसिड है, या आपने रिकॉग्नाइज करना है खुद ही देखे कि भाई ये तो एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है, एंड व्हेन एवर एन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, हमारे पास कुछ बेसिस जो होती है ना, जो मेटल ऑक्साइड, देखो बेसिस क्या है मेटल ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है बेस है। मैं इसको मेटल ऑक्साइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मेटल ऑक्साइड भी कहलाएगा। तो जब वो मेटल ऑक्साइड्स या वो बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, तो वो सॉल्यूबल होने के बाद, जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल ऑक्साइड है, उसको वाटर में डालोगे तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये मेटल हाइड्रोक्साइड है एक तरह की, मेरे पास ये भी एसिड से रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये एल्केली है, और एल्केली बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे कि एसिड बिहेव करता है, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट तरीके से। कैसे, एल्केली क्या होती है, कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और एसिड क्या होता है, कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों के दोनों, एसिड और एल्केली, दोनों के दोनों डिसोसिएट होते हैं इनटू वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन इन केस ऑफ एल्केली, सॉरी एसिड्स इन केस ऑफ एसिड दे गिव H पॉजिटिव आयन, और जो एल्केलीज होते हैं दे डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। सही है। अच्छा, दूसरी बात, कौन सा मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल है कौन सा नहीं है, वो आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि पोटेशियम और सोडियम के जो भी, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं वो तो कम्प्लीटली वाटर सॉल्यूबल होते हैं, अच्छा सा एल्केली बना लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में डाला ना, तो वो बनाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्केली, लेकिन सारा का सारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो डिजोल्व नहीं हो जाता। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड या एल्केली बनाता है। लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड की बात करो ना, तो पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो पूरा का पूरा डिजोल्व होके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये हमें याद ही नहीं करना है कि कौन से मेटल ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होते हैं या नहीं होते। सॉल्ट्स के बारे में हमें जरूर याद करना है, लेकिन मेटल ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता देगा कि ये वाटर सॉल्यूबल ऑक्साइड है या नहीं है। सही है हुजैफा? अच्छा जी, तो वो बेसिक ऑक्साइड जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं दे डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्केलीज, और एल्केलीज क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बिल्कुल एसिड के साथ जैसा रिएक्ट करती है, जैसे इसको पानी में डाला ना तो ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। जैसे एसिड था HCl, उसको पानी में डालोगे तो वो तुम्हारा Cl नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन बना रहा है ना, वैसे ही एल्केली भी काम करती है। लेकिन फर्क क्या है कि एल्केलीज देती हैं OH नेगेटिव आयन और एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की वजह से सोल्यूशन में आती है एसिडिटी, और OH नेगेटिव आयन की वजह से सोल्यूशन में आती है एल्केलिनिटी। दोनों जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट इस सेंस में कि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं और इनके रिएक्शंस भी डिफरेंट हैं। हाँ, अपोजिट ऐसे हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और रिएक्ट करते हैं तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सही है। अच्छा, इसकी जो आयनिक इक्वेजन होती है वो बड़ी फेमस आयनिक इक्वेजन है हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं कि एसिड से निकला एच पॉजिटिव और एल्केली का निकला OH नेगेटिव, दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर H2O, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एसिड और एल्केली के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो एल्केलीज आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट्स टू गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस. एल्केली और वीक एल्केली भी होती हैं. सेम डेफिनेशन, सेम उसमें लॉजिक है कि स्ट्रॉन्ग एल्केलीज आर दोज एल्केलीज दैट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH नेगेटिव आयन. वीक एल्केली वो है जो कि इनकम्प्लीट आयनाइज होती है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्केली, मतलब इसको पानी में डालोगे तो अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल डाले हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे और 100 Na पॉजिटिव आयन निकलेगा और 100 OH नेगेटिव आयन निकलेगा. और वीक एल्केली वो होती है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले हैं वाटर में तो 100 नहीं निकलेंगे, Mg2 पॉजिटिव आयन में से लेट से 10 Mg2 पॉजिटिव आयन निकल गए और 20 हाइड्रोक्साइड आयन निकल गए. ठीक है, क्योंकि 1:2 के रेशियो में ना, तो इसके 100 में से 10 निकल रहे हैं तो इसके 100 में से 20 निकलने चाहिए. देखो मुनीब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है कि व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद एन एल्केली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, अच्छा जी. अब जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखा था, इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलीज और बेसिस. अच्छा, बेसिस और एल्केलीज को हम लोग इनके वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. देखो बेस क्या है, बेस वो चीज है जो एसिड से रिएक्ट कर रही है. जैसे मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, ये बेस है, ये एसिड से रिएक्ट कर रही है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, NaCl एंड वाटर. इसी तरह वो ये वाटर सॉल्युबल बेस है, मतलब इसको अगर मैं पानी में डाल के डिसॉल्व करूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. कहने का मतलब क्या है कि ये एल्केली है और जब भी कोई एल्केली बना है तो वो पहले कभी ना कभी बेस था. सही है, तो हर एल्केली जो है वो किसी ना किसी बेस से ही आता है. ठीक है, तो ऑल वी कैन से कि ऑल एल्केलीज आर बेसिस, बट एज ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, तो सारी की सारी बेसिस एल्केलीज नहीं बन सकती. कुछ बेस एल्केलीज बनती हैं, कुछ नहीं बनती, लेकिन जो एल्केली है ना उसको आप बेस कह सकते हो. लेकिन अगर आप सारी बेसिस को बैठ के एल्केली कहना शुरू कर दो तो वो गलत है. सही है, लेकिन जो एल्केली है उसको आप बेस कह सकते हो क्योंकि वो पहले कभी बेस था, पानी में डिसॉल्व होकर एल्केली बना. तो लेकिन बेस भी एसिड से रिएक्ट करेगा, एल्केली भी एसिड से रिएक्ट करेगा, ये बात याद रखना. टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, फर्क क्या होगा, अगर आपने बचा रह गया तो बेस फिर वैसे ही रहेगा, लेकिन एल्केली को डाला है तो एल्केली डिसॉल्व हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बना रहेगा. मुनीब किस चीज की बात कर रहे हो एग्जांपल देके, बेस और एल्केली की? ओके, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है HCl, उसने रिएक्ट करा सोडियम ऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. अच्छा जी, मेरे पास HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड इज अ सॉल्युबल बेस तो वो एल्केली बना सकती है. लेकिन लेट से जैसे बेरियम ऑक्साइड है, ये इनसॉल्युबल बेस है. इनसॉल्युबल बेस का क्या मतलब है कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगी. मेटल ऑक्साइड तो है ना, है ये इनसॉल्युबल बेस, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट तो करेगी. एसिड रिएक्ट विद बेरियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस बेरियम क्लोराइड एंड वाटर, लेकिन इसकी मेटल हाइड्रोक्साइड या एल्केली बनता ही नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत स्पेरिंगली या बहुत कम सॉल्युबल होता है एल्केली, हम इसको अभी कंसिडर कर रहे हैं कि बनता ही नहीं है. जब ये बनता ही नहीं है तो मैं रिएक्शन क्यों बनाऊंगा. लेकिन इसका सिर्फ बेस, अगर बेशक ये सॉल्युबल नहीं भी है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है जैसे सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है, लेकिन
इसका एल्केली बन ही नहीं रहा, बनता तो वो भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों की बुक में एक ऐसी डायग्राम बनी हुई है जिसमें है ना यूं करके कुछ लिखा हुआ है, वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें यहाँ पे बेस लिखा है और बीच में अंदर एक सर्किल बना हुआ होता है, उसमें लिखा होता है एल्केलीज। तो इसको हम एक लाइन लिखी हुई होती है जो मैंने जब वो क्रिस्टोफर एंड प्रेस्कॉट पढ़ी थी अपने वो लेवल में, तो वो मुझे लाइन याद हो गई थी कि ऑल एल्केलीज आर बेसिड बट ऑल बेसिड आर नॉट एल्केलीज। देखो चाहे सोल्यूबल बेस हो चाहे इनसोल्यूबल बेस हो, एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगी बट सोल्यूबल बेस जो है वो एल्केली भी बना देगी, दैट्स इट, ये फर्क है। अच्छा देखो, अब एल्केलीज के या बेसिस के जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एसिड सावर इन टेस्ट है, बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, जैसे कि बिटर कड़वा, जैसे साबुन का टेस्ट होता है ना उसमें भी एल्केली होती है, इसी तरह बेसिस एसिड जो है वो लिटमस पेपर को रेड करता है, इसी तरह बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू करती है। जैसे एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसी तरह से एल्केलीज भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्पेसिफिकली एल्केलीज के लिए है प्रॉपर्टी, एंड दे आर सोपी टू टच। अच्छा ये भी ना कोरोसिव होते हैं, जैसे एसिड कोरोसिव होते हैं ना, तो हाई कंसेंट्रेशन में जैसे एसिड स्किन जलाते हैं, इसी तरह हमारे एल्केलीज भी स्किन जलाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, रिएक्शन तो एक रिएक्शन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो ना कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो एक रिएक्शन तो वो आ जाएगा बेस का और एल्केली का। इसी तरह एल्केलीज का एक बड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कि एल्केलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं जैसे कि अमोनियम आयन होता है ना, NH4+ आयन, उसके साथ अगर कोई एनायन लगा हुआ है, ये अमोनियम आयन है। ठीक है, इसके साथ अगर कोई एनायन लगा हुआ है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम फॉस्फेट, या अमोनियम फॉस्फेट है, तो ये वाले जो सॉल्ट्स है ना, ये सारे अमोनियम सॉल्ट्स हैं। ये अल्केलीज के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। क्या मतलब है, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को किसी अल्केली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो बनाएगा सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस एक इस रिएक्शन में, अभी आप पहला रिएक्शन पढ़ रहे हो अभी तक एसिड एंड बेसिस में जहाँ पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट भी अल्केली के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट, डेट इज अमोनियम सॉरी सोडियम सल्फेट। वाटर एंड अमोनिया गैस, तो ये रिएक्शन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, फार्मर्स नेवर टू यूज फर्टिलाइजर्स एंड एल्केलीज एट द सेम टाइम। देखो जब फार्मर फार्मिंग करता है तो वो फर्टिलाइजर यूज करता है। फर्टिलाइजर का पर्पस क्या होता है? फर्टिलाइजर के अंदर ना अमोनियम सॉल्ट होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, और वो डालने का पर्पस क्या होता है फर्टिलाइजर जिसको हम खाद कहते हैं, जैसे प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं, कि उन सॉल्ट में ना अमोनियम आयन होता है और अमोनियम आयन में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वो नाइट्रोजन से प्लांट बनाता है अपना प्रोटीन, इसलिए फर्टिलाइजर डाली जाती है ताकि प्लांट की अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो। हानिया बोलो क्या कह रहे हो, आप चैट पे लिख सकते हो। अच्छा तो उसका पर्पस ये होता है फर्टिलाइजर डालने का कि ताकि प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करे और अच्छे से अच्छा वो ग्रो करे। अच्छा अब हमें पता है कि अर्बन सिटीज या जो हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा पोल्यूशन है कि वो जब पोल्यूशन ऊपर जाती है तो वो अब वो क्या कहते हैं आसमान पे तो वो बैरियर्स नहीं है ना कि वो जो पोल्यूशन है वो ट्रैवल करती हुई या डिफ्यूज होती हुई रूरल एरियाज पे नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी।
जब बारिश होती है ना तो हमें पता है कि कुछ ऑक्साइड्स जो होती है ना हमारे पास, वो ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जब बारिश के साथ नीचे आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जब बारिश के साथ नीचे आएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब वाटर के साथ नीचे आएगी ना, तो वो गिरती है इन द फॉर्म ऑफ एसिड, कार्बोनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो फार्मर की जो फील्ड होती है ना वो एसिडिक हो जाती है, और फार्मर की फील्ड जब एसिडिक हो जाती है तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो फार्मर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम ऑक्साइड डालता है, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है, वो डाल जाता है। लेकिन जब वो डालता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ पार्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्यूबल बेस है, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है लेकिन फिर भी सॉल्यूबल बेस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। पर्पस क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि नाइट्रिक एसिड गिरा है एसिड रेन से, फार्मर की फील्ड में नाइट्रिक एसिड पड़ा हुआ है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जब डालेगा तो वो कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड। हमें उसका काम ये था कि उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कराना था। और अगर वो कैल्शियम हाइड्रो अगर कैल्शियम ऑक्साइड पानी में तो डिजोल्व होने के बाद जब फार्मर ने फील्ड पे डाल दिया, और फील्ड पे वो इरिगेशन भी करते हैं ना, वाटर भी होता है, तो अगर हमारे उसके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना हुआ है तो काम वही है, पर्पस फुलफिल हो रहा है उसका, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे। अच्छा, कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि जिन आपको नाम के साथ याद होने चाहिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, राइट, बेस है ये, और इसका नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम हम लोग नॉर्मल जबान में क्विक लाइम उसको बोलते हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूला के ना नाम दिए हुए होते हैं केमिस्ट ने। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। अच्छा, ये नाम जो है ना तुम लोगों को याद रखना है, ये वाले भी, स्लेक लाइम, क्विक लाइम। इसी तरह हमारे पास एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। तो ये तीन कैल्शियम कंपाउंड, किसी ने अभी मुझसे पूछा स्लेक लाइम क्या है, तो ये तीन कैल्शियम के कंपाउंड्स के नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अगर वो कहीं पे यूज कर लेता है क्विक लाइम, तो यू मस्ट रिकॉल दैट क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैंने एसिड्स का कुछ बताया था ना तुम्हें, अगर वो कह रहे थे लाइम स्टोन यूज कर रहे हैं, अब आप तो ये सोचने में लग जाओगे कि लाइम स्टोन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे सीन क्या है कि फार्मर क्या कह रहा है कि उसने अभी कैल्शियम ऑक्साइड भी डालना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डालना है। वो डालता तो कैल्शियम ऑक्साइड है, बोरियो में वो कैल्शियम ऑक्साइड भर के लाता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब वो उसको अपनी फील्ड पे डालता है ना, तो फील्ड में जब वो पानी भी होता है, जाहिर है इरीगेशन करता है, उसको पानी देता है पौधों को, तो वो डिजोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसने वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला था एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा, फिर उसने कहा कि यार फर्टिलाइजर भी तो डालनी है, तो मैं ना क्यों ना अभी फर्टिलाइजर डाल के जाके सो जाऊं। तो वो बोरा उठाता है फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर भी डाल देता है ताकि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन वो एक साथ डालने से ना उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो नुकसान क्या होता है, क्योंकि जब उसने क्विक लाइम डाला हुआ है फील्ड के अंदर, तो क्विक लाइम बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, स्लेक लाइम में डिजोल्व होकर वो स्लेक लाइम बना हुआ है। जब उसने फर्टिलाइजर डाल दिया, तो फर्टिलाइजर में अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा ना कि अल्केली रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो क्या होता है, जो अमोनिया गैस बनती है ना, ये बन के उड़ जाती है। अब अमोनिया गैस बन के फार्मर की फील्ड से उड़ गई, तो अमोनिया गैस जब बन के उड़ी है तो नाइट्रोजन तो अपने साथ ले गई। आप फार्मर फर्टिलाइजर डाल क्यों रहा था, फर्टिलाइजर वैसे इतनी महंगी आती है, उसने डाली थी, तो नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो उड़ के अमोनिया की फॉर्म में निकल गया, तो फार्मर को नुकसान हो गया। इसलिए फार्मर्स आर एडवाइज नॉट टू पुट फर्टिलाइजर एंड स्लेक लाइम या क्विक लाइम एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन अच्छी मेरे ख्याल से 5-6 बार आ चुका है, जरा देखना पेपर में मिलेगा आप लोग। मुनीब, कौन सी सेकेंड अमोनिया रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछ रहे हो? बैलेंस अगर नहीं है तो बैलेंस कर लेना।
अमोनिया इसमें प्रोड्यूस हो रही है ना, अमोनियम सॉल्ट एल्केली प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया। बैलेंस कैसे की ये पूछ रहे हो? देखो बैलेंसिंग देखो ट्रायल एंड एरर से ही होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इन वाली इक्वेशंस को बैलेंस करने का हमारे पास कोई वो शॉर्टकट नहीं है कि मैं कोई शॉर्टकट बता दूं तुम्हें, बस यू हैव टू बैलेंस इट समहाउ। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन, हाँ अब ये इक्वेशन जो है ना मुझे बैलेंस लग नहीं रही है, शायद इसमें ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे बैलेंस नहीं लग रही है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। लेकिन अगर ये पूछ रहे हो कि बैलेंस नहीं हो रही साइड और राइट साइड, अगर वो बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं आती है तो फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें जो है वो अलग से टाइम देख के बैलेंसिंग सिखा दूंगा। हाँ ये इक्वेशन ना आई थिंक ये बैलेंस सही नहीं हुई है, 4 2s are 8 और 2, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं राइट साइड पे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, नहीं 10 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है इक्वेशन, सही है। तो वो फिर हम लोग देख लेंगे बैलेंसिंग, अभी बैलेंसिंग में नहीं पड़े। अच्छा हमारे पास देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एच पॉजिटिव आइन की प्रेजेंस कितनी है और OH नेगेटिव आइन की प्रेजेंस कितनी है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉल्यूशन में लिया हुआ है HCl, उसमें एच पॉजिटिव आइन है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ इसमें 5 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन है जो फ्रीली मूविंग है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने लिया है नाइट्रस एसिड HNO2 जो कि वीक एसिड है और इसमें जो है वो 0.1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन है। तो एच पॉजिटिव आइन सोल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा कम होता है उतना सोल्यूशन लेस एसिडिक होता जाता है। तो अब हम असल में किसी भी सोल्यूशन को एसिडिक कब कहते हैं और अल्कलाइन कब कहते हैं, जब उसमें एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। कंसेंट्रेशन पड़ा था ना मोल्स में, जब एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो हम उस सोल्यूशन को कहते हैं एसिडिक, और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एल्केलाइन। अच्छा अब मसला ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस पढ़ना इसको थोड़ा मुश्किल काम था, तो हम लोगों ने क्या करा, इन कंसेंट्रेशन का एक स्केल बना लिया, pH स्केल इसको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसेंट्रेशन तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ा ना, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एच पॉजिटिव आइन 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो इस वैल्यू के साथ जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं या बल्कि जो लोग एड मैथ्स पढ़ते हैं तो एक लॉग एरिथम और तुम लोग चीज पढ़ते हो वो कंसेंट्रेशन के साथ लगा दो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ नंबर, और उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो जो पीएच स्केल होता है हमारे पास, पीएच की कोई हमारे पास ऐसा डेफिनेशन नहीं है, उसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ओ लेवल में बताया नहीं जाता। तो पीएच होता है क्या है, इट इज अ स्केल टू मेजर एसिडिटी ऑफ एनी सोल्यूशन, टू मेजर एसिडिटी, एल्केलिनिटी मेजर नहीं करते हम पीएच स्केल से, ठीक है, इट इज अ स्केल टू मेजर एसिडिटी। अच्छा जी पीएच देखो, पीएच हमें एसिडिटी बता रहा है ना, अब पीएच की वैल्यू क्या है वो इंडिकेट भी कर देगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है अल्कलाइन है। देखो जो हमारे पास लिटमस पेपर था या इंडिकेटर्स हैं, जैसे हम लोगों ने लिटमस पेपर देखा कि वो एसिड में जो है वो हमें रेड कलर देगा और बेस में जो है वो ब्लू कलर देगा, बस लिटमस ये तो नहीं बता रहा ना कि कौन सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा अल्कलाइन है, लिटमस बस ये बता रहा है या तो ये एसिडिक है या बेस है, दैट्स इट। लेकिन जो पीएच है ना, पीएच हमें ये भी बताएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और साथ में ये भी बताएगा कि ये इसका कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा अल्कलाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएच हमारे पास 7 होता है किसी सॉल्यूशन का, तो इसका क्या मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में जितने एच पॉजिटिव आइन है उतने ही उस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आइन भी हैं, सही है। तो जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आइन है उतने ही OH नेगेटिव आइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस सॉल्यूशन में बनता है वाटर। अच्छा अब अगर
एच पॉजिटिव आयन मैं बढ़ा दूं सोल्यूशन में, मैं बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा मैंने एच पॉजिटिव आयन डाले हैं सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन डालोगे तो इसका इसमें एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। एच पॉजिटिव आयन बढ़ाओगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और एसिडिटी इंक्रीज होती है तो पीएच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब यह है कहने का कि पीएच की वैल्यू जब 1 होती है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, हाईली एसिडिक है, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से 2, 2 से 3, तो एसिडिटी कम होती जाएगी, 5, 6, 7, और 7 पे एसिडिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दूं और एच पॉजिटिव आयन उतना ही रहे, तो सॉल्यूशन में एल्केलिनिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इट इंक्रीजेस एल्केलिनिटी। मतलब अगर मैं OH नेगेटिव आयन बढ़ाऊंगा तो पीएच जो है वो 7 से बढ़ के फिर 8 पे चला जाएगा, और मजीद बढ़ाऊंगा तो 9, 10, 11, 12, 13, और मैक्सिमम वैल्यू एल्केलिनिटी की जाती है 14। तो इसका क्या मतलब है, वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 14 है वो मोस्ट एल्केलाइन है, ठीक है। तो पीएच स्केल हमें ये बताता है, इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच अगर मेरा 1 से 7 है तो इट मींस वो मतलब 1 starting from 1 मोर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 7, तो पीएच हमारा अगर ये है तो ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है। अगर पीएच हमारा 7 है तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर। इसी तरह अगर पीएच हमारा ग्रेटर देन 7 है और 14 तक है तो ये सॉल्यूशन हमारा एल्केलाइन है। इसी तरह पीएच मेजर करने के लिए एक तो हमारे पास होता है पीएच मीटर, हम लोग पीएच मीटर यूज, हमारे पास होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, एक तो हमने सिंपल इंडिकेटर पढ़े हैं, 3 तरह के, लिटमस, फिनोफिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ ये बताएंगे कि या तो एसिडिक है या अल्कलाइन है, जैसे लिटमस, फिनोफिथ्रीन और मिथाइल ऑरेंज। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन होता है हमारे पास, वो उसका पीएच की वैल्यू भी बताएगा। वो ये तो बताएगा बताएगा कि एसिडिक है, लेकिन एसिड का पीएच कितना है वो भी बताएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह का होता है कि हम एक ड्रॉप डालते हैं उसका एसिडिक सोल्यूशन में या अल्कलाइन सोल्यूशन में, और उसका जो कलर आता है, हमारे पास हर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ एक चार्ट दिया हुआ होता है कलर्स का, ठीक है। और उन चार्ट से हम देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे लेट से कि इस तरह का कोई रेड कलर आया और इस पे पीएच लिखा हुआ है 4.5, तो हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन का कलर है वो चार्ट को देखते हैं कि सोल्यूशन का कलर चार्ट में जहाँ कलर दिए हुए कौन से कलर से मैच कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीएच दिया हुआ होता है वो हम रीड आउट कर लेते हैं। ये एक मुश्किल काम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा देखना है करना है, लेकिन आसान काम क्या है कि आपने पीएच मीटर लिया है। पीएच मीटर एक डिवाइस होती है जैसे कैलकुलेटर होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 2 प्रोब्स होते हैं, वो प्रोब्स आपने सॉल्यूशन में डाले, प्रोब्स क्या है, लीड जैसे प्रोब्स होते हैं, वो आपने सॉल्यूशन में डाले और पीएच मीटर आपको पीएच बता देता है, सही है। तो इस पीएच वाली चीज में आपको इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव आयनिक इक्वेशन इन दिस चैप्टर, और फिर उसके बाद से होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं, मैं एक नजर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी कब हो सकती है, उसमें बाकी का कवर कर लेंगे। ठीक है, पीपीटी टेस्ट आ जाते हैं, टेस्ट फॉर कैटाइंस, टेस्ट फॉर एनाइंस, ये टेबल है टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। इसको यूज कैसे करते हैं, एटीपी में यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस। और फिर हमारे पास ये कुछ इंडिकेटर्स के कलर हैं जिसमें से आपको जो याद होना चाहिए, फिनोफिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस के एसिड बन के क्या कलर है, एल्केलीज में क्या कलर है। ये बाकी के नीचे के 2 आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इनके कलर्स आपको याद नहीं करने।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, फिलहाल हम लोगों ने क्लासेस जो प्लान की थी वो वेंसडे तक की थी, कल वाली क्लास एक मिस आउट हो गई है, तो मैं ग्रुप पे कोई एक अलग से टाइम निकाल के मैसेज कर दूंगा, उस टाइम पे आप लोग ले सकते हो। सेकेंडली, इन चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, अगर किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर से देखना है तो वेल एंड गुड, वो काफ़ी डिटेल में, तो आप लोग मुझे आप मैसेज कर देना तो मैं आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना पे क्लास एंड कर दूँ।